और एमसीडी चुनाव से पहले ईवीएम को लेकर भी घमासान बढ़ता जा रहा है। ईवीएम में कथित छेड़छाड़ पर मायावती की पार्टी बीएसपी की याचिका की सुनवाई आज होगी सुप्रीम कोर्ट में। वहीं चुनाव आयोग के ओपन चैलेंज पर आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव का प्रचार चल रहा है। चुनाव आयोग के सामने समस्या अब सिर्फ चुनाव करवाने की नहीं है, बल्कि ईवीएम की विश्वसनीयता साबित करने की भी है। पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से चुनाव आयोग की खुली चुनौती की खबर दी। ईवीएम मशीन हैक करके दिखाएं, विशेषज्ञ वैज्ञानिक टेक्नोक्रेट को हैक करके दिखाने की चुनौती दी है। मई की शुरुआत में 10 दिन का समय देने की खबर है। दिलचस्प यह है कि चुनाव आयोग के बयान के बाद आम आदमी पार्टी के नेता आशीष खेतान ने सीधे सवाल उठा दिए। इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब इस पर दिया है तो हमें वो प्रेस रिलीज या ऑफिशियल स्टेटमेंट इलेक्शन कमीशन का दिखाया जाए जहां पर इलेक्शन कमीशन ने इस तरीके की बात कही है। ये जानना बेहद ज़रूरी है कि कौन सी ईवीएम मशीनें हैं जिनको चैलेंज के लिए इलेक्शन कमीशन सामने रख रहा है, उसमें चिप किस सीरीज की है, वो मशीनें कहाँ बनी हुई हैं, उसके बाद ही कोई उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे पाएगा। हम आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 2009 में इसी तरह की चुनौती दी थी। उस वक्त कोई ईवीएम को हैक नहीं कर पाया था। ईवीएम पर कल ही विपक्षी दलों के नेता राष्ट्रपति से मिले और ईवीएम को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। ईवीएम मशीन के बारे में हमने ध्यान राष्ट्रपति जी का दिलाया और उनको बताया कि अभी ऑल पार्टी डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन को मिला है और हमें पूरा विश्वास है कि इलेक्शन कमीशन इसमें कोई न कोई रास्ता दिखाएगा। बिहार में कांग्रेस का गठबंधन, माने कांग्रेस माने आरजेडी जेडीयू गठबंधन जीत गए। उस समय ईवीएम ठीक था, फुल प्रूफ था। जब बुरी तरफ हार गए तो ईवीएम गलत है, ऐसा गलत प्रचार कर रहे। इनका जो डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन है ना, इनका जो दुष्प्रचार है उसी में एक भाग है। आज राष्ट्रपति जी के पास जाके जिस तरफ का उन्होंने इन लोगों ने बेकार आरोप किया है। ईवीएम पर सिर्फ बयानों की जंग नहीं है, आज सुप्रीम कोर्ट में बीएसपी की याचिका की सुनवाई होगी। बीएसपी ने भविष्य में बैलेट पेपर से चुनाव कराने या ईवीएम में वीवीपैट का इस्तेमाल अनिवार्य करने की मांग की है। वीवीपैट तकनीक में वोट डालने के तुरंत बाद मशीन से पर्ची निकलती है जिस पर वोट दिए गए उम्मीदवार का नाम निकलता है। गौरतलब है कि इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में पहले ही एक याचिका लंबित है जिस पर कोर्ट चुनाव आयोग से जवाब मांग चुका है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।